हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम टॉप 5 न्यूज को कवर करने वाले हैं। पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट न्यूज की। तो जो आपकी सबसे फर्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है आपके रामायण टेम्पल से। आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है विराट रामायण मंदिर और ये बिहार के चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। सेकंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो सेकंड न्यूज रिलेटेड है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या है क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, यानी इन्होंने एक डेटा शेयर किया है। वो डेटा किससे रिलेटेड है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया का कौन सा प्लेस है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 127। बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो WEF है क्या, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी पे बात करता है। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1971 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इकोनॉमी पे फोकस करता है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी इन्वॉल्व है और डेवलपिंग कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। जो अभी डेटा शेयर किया गया था उसमें इंडिया का जो प्लेस है वो है 127। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो सबसे पहले नंबर पर है आपका आइसलैंड। टोटल 146 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 127 प्लेस पे है अपना कंट्री, यानी इंडिया 127 नंबर पे है। 2022 की बात करें तो जो 2022 में रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की प्लेस था, यानी इंडिया का जो स्थान था वो था 135। इस रिपोर्ट में इस बारे में बात किया जाता है कि जो गर्ल्स है यानी वुमेन है और वुमेन है इकोनॉमी में कितना ज्यादा इनका पार्टिसिपेशन है। जो वैकेंसीज आ रही हैं वो वुमेन्स के लिए कितना आ रही है, मेन्स के लिए कितना आ रही है और कितना ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी मेन और वुमेन के पार्टिसिपेशन पे बेसिकली फोकस किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो हमारी वर्ल्ड गिनीज यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अभी हाल ही में योगा डे मनाया गया था। अब आप बताइए कि योगा डे कब मनाया गया था, उसी से रिलेटेड एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें ये पूछा गया था कि जो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें 1.53 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये किस प्लेस पे बना है, किस स्टेट में बना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत। और सूरत कहाँ जाता है? गुजरात में। इसमें 1.53 लाख लोगों ने यानी कि 1.53 लाख लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम वही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अभी फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिन्हें चुना गया है उनका नाम क्या है, यानी फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेट्री ओर्पो। और किन के स्थान पर चुना गया है, तो सना मरीन की जगह पर चुना गया है, यानी इनसे पहले सना मरीन जी प्राइम मिनिस्टर थी फिनलैंड की, लेकिन प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में पेट्री ओर्पो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो टॉप 5 न्यूज़ हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का जो लिंक है यानी सॉरी आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।